सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कब्रिस्तान पीपरवानी गांव के पास पहुंच चुके हैं और यहां पर जो है आज हमारे वेलफेयर का हमने एक काम की सर अंजाम दी है आप लोगों की दुआओं से, और वो ये है कि ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है पूरा कब्रिस्तान का इलाका है, तो कब्रिस्तान में हमने लाइटिंग का इंतज़ाम किया अपनी तरफ से, ये पीपरवानी के गांव कब्रिस्तान में भी और तिरोड़ी के भी कब्रिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, और रोशनी का इंतज़ाम लाइट्स का इंतज़ाम किया क्योंकि आज सारे लोग शबे बारात की वजह से ज़ियारत के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख सकते इस वक्त मैं पीपरवानी गांव में जहाँ पहला सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ था वहां पर मैं पहुंच चुका हूं, और सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हैं मुस्लिम कब्रिस्तान है पीपरवानी का, और इस मुस्लिम कब्रिस्तान में आज सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से लाइट्स का इंतजाम किया गया। जज़ाकअल्लाह खैर वेलफेयर के काम की हमारी लिस्ट में दूसरा काम जुड़ चुका है, पीपरवानी गाँव और तिरोड़ी तहसील में लाइट्स रोशनी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आज तमाम लोग अपने आबा अजदाद और अपने रुफका, अपने दोस्त अहिब्बा और अपने अहले खाना, अपने अहले ख़ानदान की ज़ियारत के लिए और उनके हक़ में मग़फ़िरतों की दुआ करने के लिए शबे बारात में सब लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े चले आते हैं, तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल लाइटिंग का इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। और ये है पीपरवानी का कब्रिस्तान, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है और तकरीबन 3 एकड़ में कब्रिस्तान, कितने 8 एकड़ में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये पूरा पीपरवानी गांव का कब्रिस्तान फैला हुआ है, बल्कि हमारी तिरोड़ी तहसील का भी कब्रिस्तान मात्र 2 या 2.5 एकड़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 8 एकड़ का कब्रिस्तान जो है पीपरवानी गांव में, और हमारे आशिक साहब है जो कि यहाँ के निगरा है पीपरवानी के, सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदार है यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके भाई मस्जिद के यहाँ के सदर भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ऐसा है। तो आप लोग दुआएं खैर करें हमारे हक में कि ऐसी अल्लाह ताला हमसे काम लेता रहे। अभी यहाँ पे लाइट्स लग जाएंगे थोड़ी देर में, और आप अभी इसके बाद का मेरी इस क्लिप के बाद का आप वीडियो देखिएगा जो कि इसमें डाल दी जाएंगी, अटैच कर दी जाएंगी कि हमने किस तरीके से यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम किए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनरेटर और रोशनी का इंतज़ाम रात में लोगों के लिए किया जा रहा है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम, दुआओं में याद रखिए और सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी के तहरीकी कामों से जुड़िए, और आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की सारी दुनिया में धूम मचा दीजिए, और दिलो जान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू होके आका अलैहि सलाम की इश्क मुस्तफ़ा की शमा को अपने सीनों में और अपने दिलों में रोशन कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम, सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, मौलाना शाकिर अली नूरी सरकार जिंदाबाद, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और सुन्नी हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी अमीनुल क़ादरी सरकार दामत बरकातहु मालिया और क़िबला जिंदाबाद, पाइंदाबाद, नुमाइंदाबाद, मालेगांव शरीफ जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आपको मालूम हो कि सुन्नत दावत इस्लामिया के जानिब से और ये हजरत फौजुल अजीम कादरी इनके जानिब से पीपरवानी गांव में ये जो है लाइटिंग का जो है हमने को उतना तो बोलते आता नहीं है, लेकिन जैसा भी बोल रहा हूँ मैं कि ये अपने जो हजरत है फौजुल अजीम इनके जानिब से ये है अपने लाइटिंग का जो पूरा जो खर्चा है इन्होंने उठाया है और सुन्नत दावत इस्लामिया सुन्नी दावत इस्लामी वेलफेयर टीम तिरोड़ी की जानिब से तिरोड़ी में कब्रिस्तान में लाइटिंग का इहतमाम किया गया है, कब्रिस्तान की सफाई की गई है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
सुन दावत इस्लामी वेलफेयर तिरोड़ी अभिपरवानी की जानिब से तिरोड़ी कब्रिस्तान पिपरवानी कब्रिस्तान में लोगों की सहूलियत के लिए लाइट का इंतजाम किया गया है ताकि लोगों की सहूलियत हो सके। हबीब सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कह रहा था आप जैसे कि देख सकते हैं ये तिरोड़ी कब्रिस्तान है हमारा और इस कब्रिस्तान में सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से लाइटिंग का अहतमाम किया गया ताकि लोगों को शब बरात में दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो और आसानी के साथ अपने जो अहले खाना है, अपने अहले दोस्त है, अहिबा है, अहबाब है, वालिदैन की खबरों पर जाके आसानी से उनकी ज़ियारत कर सके, उनके लिए मगफ़िरत कर सके, दुआ मगफ़िरत। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल जज़ाकल्लाह खैर, ये वेलफेयर का काम सुन्नी दावत इस्लामी टीम तिरोड़ी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तमामी हज़रात लोग को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये देख सकते हैं आप सुन्नी दावत इस्लामिया की तरफ से ये सजावट मरकरी वगैरह लगाया गया है जो कि तमाम कब्रिस्तान पे आने वाले जाहिरीन लोग को सहूलियत के लिए लगाया गया है। ये सरकार फैजुल अजीम सरकार की तरफ से निगरानी पे लगाया गया है और ये तिरोड़ी की कब्रिस्तान है और ऐसे ही नज़ारा पिपरवानी की सरजमी पे और ऐसी सजावट पिपरवानी की सरजमी पे सरकार फैजुल अजीम की निगरानी पे किया गया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, जैसे आप देख सकते हैं आपने सारे वीडियोस देखे, ये तिरोड़ी का वही कब्रिस्तान है जहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से कल लाइट्स और रोशनी का इंतज़ाम किया गया था शबे बरात की रात में, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल्ला के जिसके वजह से लोगों को बड़ी आसानी हुई यहाँ पर अपने अहलो अयाल, अहले खाना, वालिद वालदा, दोस्त अहिबा की खबरों की ज़ियारत भी करने और उनके लिए दुआ मगफ़िरत करने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कब्रिस्तान जगमग रोशन था, हेलोजेंस लगे हुए थे। जज़ाकल्लाह खैर, आपने तो वीडियो उसमें देख ही लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम।